देखिए, बढ़ता बिहार बदलता बिहार डबल इंजन की सरकार की झलक दिखाई पड़ रही है। आज हमारे राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, किस तरह से गया, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना में स्वस्थ रहने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किए। अब इंसान तो इंसान, अब जानवरों को स्वस्थ रखने के लिए भारत सरकार और बिहार सरकार, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज भारत सरकार के पशुपालन मंत्री माननीय राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू, आज हर प्रखंड में एम्बुलेंस भेजा जा रहा है जानवर को स्वस्थ रखने का। यही बिहार था जहां जानवरों के चारा को लूटकर खा जाते थे और जानवर बीमार पड़ते थे, भूखे तड़प तड़प कर मरने के लिए विवश होते थे। ये जंगल राज वाले लोग, चारा खाने वाले लोग, देख लें इनके युवराज, आंख खोलकर देख लें कि बढ़ता बिहार बदलता बिहार किस तरह से काम कर रहा है। लोग बिहार के अंदर खजाना लूटने में, चारा चुराने में लगे रहे और आज बिहार पूरी तरह से विकास की ओर कदम बढ़ा रहा है। ये जिस तरीके से सुबह पटना सिटी में मंडल अध्यक्ष पूर्व मंडल मुन्ना शर्मा को गोली मारकर हत्या कर दी गई है, लगातार घटना घट रही है राजधानी में, सब यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस पर आज डीजीपी का भी, नए डीजीपी आए हैं, पूरे सख्त हैं और पूरी तरह से एक्शन लेंगे। प्रशासन पर दबिश बढ़ाई जा रही है और निश्चित तौर पर जो अपराध को, भ्रष्टाचार को पोषित करने की मानसिकता है उस पर अंकुश लगेगा। बिहार के अंदर अपराधियों के लिए कोई भी संरक्षित करने वाला अब नहीं बचेगा। यूएसए में राहुल गांधी ने कहा है कि पश्चिम में रोजगार की समस्या है, भारत में रोजगार की समस्या है, लेकिन दुनिया में कई देशों में रोजगार की समस्या नहीं है। चीन में निश्चित रूप से नहीं है, वियतनाम में रोजगार की कोई समस्या नहीं है, इसलिए ग्रह पर ऐसे स्थान पर बेरोजगारी से लोग गुजर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी परिवारवाद के, कांग्रेस के युवराज हैं। दुर्भाग्य है कि आज विपक्ष में बैठा व्यक्ति, एक देश का युवराज जो सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं, राजनीतिक धरातल सच्चाई को न जानते हैं, न समझने का प्रयास करते हैं, न कोई विजन है उनके पास। जो लिख के देता है, जो समझाता है, वही वो बोलते हैं। वही हार बिहार में भी एक युवराज तेजस्वी यादव जी का है। अरे बिहार की सच्चाई को जानिए, बिहार के अंदर, देश के अंदर जब भी विकास होता है, डेवलपमेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर या एग्रीकल्चर के अंदर, अलग अलग क्षेत्र में रोजगार का अवसर पैदा होता है। आज आप देख लें, अनुमान लगा लें कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर उड़ रहा है और इसकी संख्या दिनों दिन कई गुना बढ़ रही है। जहां एक एयरपोर्ट था, आज आधे दर्जन एयरपोर्ट बनाने की जरूरत महसूस कर रही है। ये यहां के लोगों के आय का एक नया प्रमाण है। लेकिन राहुल गांधी जी को देश को बदनाम करना है, देश की छवि धूमिल करनी है। पूरा विश्व भारत को आदर्श मान रहा है, लेकिन राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, ये सोनिया गांधी और श्रीमान लालू प्रसाद यादव अपने पुत्रों को सही प्रशिक्षण नहीं दिए हैं, जिसका परिणाम है कि ये संवैधानिक पद की जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। अभी लीडर ऑपोजिशन ने ट्वीट कर कहा है कि जो भी क्राइम हो रहा है सत्ता के संरक्षण में हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर जो नेता प्रतिपक्ष ये बोलते हैं कि सत्ता के संरक्षण में अपराध होता है, तो खुला चुनौती है। मैं नेता प्रतिपक्ष था, मैंने प्रमाण दिया था सदन में आकर के कि आपके सत्ता में बैठा हुआ मंत्री इजराइल मंसूरी, राहुल साहनी की हत्या में उसके परिवार के लोग आवेदन दिया था, थाना में एफआईआर नहीं होने दिए थे, आपने, मुख्यमंत्री ने इंटरेस्ट लिया था, सारे कागज लिए थे, लेकिन सरकार गिराने के और गिरने के डर से एफआईआर तक नहीं हुआ था। आज एक भी प्रमाण उनके पास है तो वो उपलब्ध कराएं। खुला चुनौती है, गाल बजाने से, भरमाने से लोगों को
बरगलाने से काम नहीं चलेगा। मैं तो चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष ईमानदारी से जनता के बीच जाकर के सच्चाई को बताए, सरकार सजग होकर समाधान करेगा, लेकिन ये जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करते हैं, सिर्फ ट्विटर बॉय बनकर के रह गए हैं। राहुल गांधी ने भी कहा कि आरएसएस का मानना है कि भारत एक विचार है और हमारा मानना भारत विचारों की बोलता है और हर किसी को भाग लेने की अनुमति देनी चाहिए और अनुमति जाति धर्म भाषा परम इतिहास का परवाह किन स्थान का देना चाहिए और यह लड़ाई चुनाव में स्पष्ट दिखा कि भारत के लाखों लोगों ने प्रधानमंत्री के संविधान पर हमला कर रहे थे। राहुल गांधी जी सांस्कृतिक संस्कार से सुसज्जित हैं, भारतीय संस्कार उनके तन मन में समाहित हो ही नहीं पाया है। जो व्यक्ति भारत को नहीं समझ सका, भारत के लोगों को नहीं पहचान सका, भारतीयता का बोध मन के अंदर नहीं आ पाया है, वो व्यक्ति भारत के दर्शन को, भारत के सांस्कृतिक विरासत को नहीं समझ पाएंगे। यही भारत है जो वसुधैव कुटुंबकम का भाव जगाता है, यही भारत है सर्वधर्म संभाव का मानव के अंदर ये वातावरण बनाया है। राहुल गांधी जी, आप ही के परिवार के लोगों का पाप का परिणाम है कि आज बांग्लादेश में हिंदू की चित्कार, आज गणेश चतुर्थी पर हुआ पूजा नहीं कर सका, हमारी माँ बहनों का वहां के लोगों को तड़पते हुए रोते हुए आंसू पर आपने एक शब्द तक नहीं बोला, धिक्कार है ऐसे राजनेताओं को जो भारतीयता और भारत के संस्कृति पर हमला हो और वो मौन रहे। क्यों बांग्लादेश पाकिस्तान से इतना मोह है? क्यों बांग्लादेशी पाकिस्तानी लोगों के डर से आप बयान तक नहीं देते हैं और भारतीयता की बात करते हैं? ऐसे दोहरे चरित्र के लोग को भारत की जनता पहचानती है। आज बांग्लादेश पर लालू यादव, उसके परिवार तेजस्वी यादव से लेकर के ममता बनर्जी, केजरीवाल से लेकर के राहुल गांधी क्यों मौन है? तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ये वातावरण बदलनी चाहिए। भारत तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है, संतुष्टीकरण की राजनीति करती है। और जो भी इस धरती पर जन्म लिया है, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का है, वह पहले भारतीय है, उसके बाद धर्म और जाति है। जिसके मन में ये विचार नहीं है, वह भारतीयता का, नागरिकता का अधिकारी नहीं है।